माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि हाउसिंग के क्षेत्र में लंबे समय से चल रही प्रक्रियाओं को बदला जाए ताकि देश के गरीबों को भी विश्व भर की सर्वश्रेष्ठ नवीनतम तकनीक और तेजी से बनने वाले आपदा रोधी और टिकाऊ घर मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प से प्रेरणा लेकर वर्ष 2019 में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया का आयोजन किया गया, जिसके तहत विश्व की 54 इनोवेटिव और प्रूवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज की पहचान कर देश के 6 राज्यों में गरीबों और मध्य वर्ग के लिए 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू किया गया। आधुनिक तकनीक से बनने वाले इन 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2021 को किया गया। लाइट हाउस प्रोजेक्ट राजकोट में फ्रांस की टनल फॉर्म वर्क तकनीक से सभी बुनियादी और सामाजिक सुविधाओं के साथ कुल 1144 आवासों का निर्माण किया गया है। इस टनल फॉर्म वर्क तकनीक से कारखाने में निर्मित 2 आधे एल शेप्ड स्टील के फ्रेम्स को एक साथ रखा जाता है और फिर कंक्रीटिंग से कमरे के आकार के मॉड्यूल बनाए जाते हैं। ऐसे कई मॉड्यूल एक साथ मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं। इस तकनीक से 45 दिन में 2 टनल फॉर्म सेट से 14 मंजिल की 2 टावरों का निर्माण किया गया है, जिसमें प्रत्येक टावर में 108 घर हैं। इस प्रोजेक्ट में प्रत्येक घर में मानकों के अनुरूप 2 बेडरूम, रसोई घर, शौचालय और स्नान घर हैं तथा सभी ब्लॉक में लिफ्ट की भी व्यवस्था है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, सोलर लाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग जैसी विशेष सुविधाएं भी हैं। इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स को लाइव प्रयोगशाला के रूप में तकनीकी संस्थानों के सहयोग से सभी हितधारकों के लिए प्रदर्शन, तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं रेप्लिकेशन हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार और प्रसार किया गया है। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा LHP राजकोट का उद्घाटन किया जा रहा है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट राजकोट के माध्यम से 1144 गरीब परिवारों को कम रखरखाव वाले किफायती, आरामदायक, आपदा प्रतिरोधी एवं सुरक्षित घरों के साथ बेहतर जीवन के लिए स्वस्थ और हरित वातावरण का लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के अवधारणा के अनुरूप GHTC इंडिया के तहत ये प्रौद्योगिकी परिवर्तन 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करेगा।